What's up guys, welcome back to another reaction video. आज हम react करने वाले हैं King के नए गाने पे जिसका title है मान मेरी जान. तो इसमें मनाया जाएगा romantic गाना वाला क्या कुछ है या फिर breakup हो जाता है ना तो उस तरीके से भी हो सकता है. गाना सुन के पता लगेगा. बाकी champagne talk album से है और King का मैं personally पिछले एक साल में जिस तरह से गाने में सुनता गया हूँ ना, मैं एक अलग ही फैन उनकी फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन मेरे को एक होता है ना कि मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट फॉलो करता हूँ. एक तो वाला तू आके देख ले और जो भी है ना उप्स. और एक वो जो था मैं खान से लेट्स एंजॉय द सॉन्ग. चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 एंड लेट्स गो. अर्पण अब नहीं हो सकता, तुम बस मूव ऑन कर जाओ. मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुने आ. मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुने आ. तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा. मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा. तू मान मेरी मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे. मैं आँखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे. मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ. तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा. मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा. तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा. तू मान मेरी जान. अपन तू क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए? तू जा बस. ठीक है यार. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा. तू मान मेरी क्योंकि दुख तकलीफ दर्द वाले तो बहुत गाने होते हैं. वहाँ पे खत्म हो गए, उसने बोला ठीक है
जाओ। मुझे लगा कि ये इश्क भी अधूरा रह गया, लेकिन फिर आगे बता क्या क्या ये इश्क भी अधूरा रह गया, ये इश्क भी अधूरा रह गया। तो भाई अगर मैं करूँ इस एक किंग के जैसे जो था ना, तू आके देख ले, हल्का सा टच मुझे लगा उस गाने का, तू मान मेरी जो हल्का सा, लेकिन बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा मुझे गाना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ एक पॉजिटिव, जो प्यार में जो पॉजिटिविटी चाहिए होती है ना, वो अगर एक नहीं भी मानना फिर भी हो, तू मान मेरी जा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं अपने सारे रात तुझे दे दूंगा। लिरिक्स बहुत अमेजिंग, आवाज माइंड ब्लोइंग। और मैं वेट कर रहा था कि किंग का एक गाना उस तरीके का दोबारा आए जैसे वो था ना, तू आके देख, और इसमें हल्का सा म्यूजिक था, मतलब टच आ रहा था, एक वो पॉजिटिविटी वाला टच, एक वो जो था कि आप रिफ्रेश्ड फील करते हो इस गाने से लगा। और एक क्यूट सी लव स्टोरी, लव स्टोरी तो नहीं कहूंगा, लव स्टोरी तो पहले ही चल चुकी थी, ब्रेकअप हो गया था, उसकी शादी हो रही थी। मैंने कैसे टाइम पे बोला ना, इसी की शादी में टेंट था, क्योंकि नॉर्मली वैसे बोलता ना कुछ नहीं करेगा तो उसी की शादी में टेंट लगा रहा होगा। ये गाना भी चार्ट बस्टर होने वाली है, बहुत ट्रेंड करेगा, बहुत बड़े लेवल पे ट्रेंड करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो सक्सेस हुआ था ना, तू आके देख ले गाना तो बहुत। और वो गाने से मतलब आप कभी ऐसा नहीं फील करते यार, बहुत सुन लिया। वैसे ये गाना मेरे को उसका वीडियो मैंने तब देखा था, मैं रिएक्ट किया था, मैंने वो ऑडियो रील्स पे हर जगह इतना सुना हुआ था। और कुछ गानों में एक चीज नोटिस करना कि जैसे आप सुनते हो गाना तो आपको या तो वीडियो उसकी स्टोरी पसंद आती है या गाना पसंद आता है, इसमें क्या है कि स्टोरी और गाना एक ही साथ ही आपको पसंद आ गया, ऐसा भी नहीं कि एक दो बार और देखने के बाद वो, क्योंकि आवाज में जा दो, म्यूजिक कॉम्पोजिशन और एक क्यूट सा जो सिनेरियो क्रिएट किया था। एंड आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लगा, तो लाइक करना मत भूलना, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।